अरे राज, डैडी जी, फेरी कॉलर। मैं भी इन दिनों घर आने की सोच रही थी, काफी दिन हो गए ना। अच्छा हुआ आप आ गए। हम भी तुम्हारा फैसला ही करने आए हैं बेटा। वेलकम कुरान साहब, वेलकम। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आइए ना कुरान साहब, बैठिए। बैठेंगे तो जरूर, लेकिन सिर्फ आपके साथ। हाँ सिमरन, डैडी को पापा जी से कुछ बातें करनी है। जस्ट गिव अस 2 मिनट्स। ऑफ कोर्स, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। भाभी जी, आप भी उसकी मदद कर देते। जा कुलजीत, जाके सिमरन की मदद कर। जी। आइए ना खुराना साहब, आओ राज बेटा। हाँ। क्या बताऊं खुराना साहब, बाबूजी की तबीयत की वजह से हमारी पूरी फैमिली में बहुत टेंशन हो गई थी। बैठिए ना। सतीश जी, ये मिठाई लीजिए। लीजिए लीजिए। ये मिठाई किस बात की है खुराना साहब? वैसे कायदे से तो मिठाई आपको खिलाना चाहिए पापा जी। पर क्यों राज? ये मिठाई देव और पम्मी की सगाई की है। सतीश जी, दुनिया ने काफी तरक्की कर ली है। ड्राइंग रूम में रखे टीवी पर दुनिया भर की खबरें आ जाती है। आप क्या समझते हैं, हमें लंदन में हुई सगाई का पता नहीं चलेगा? खुराना साहब मेरी बात तो सुन। बात सुनने नहीं, फैसला सुनाने आए हैं। और फैसला यह है कि दुनिया की किसी भी लड़की से देव शादी करे, नो प्रॉब्लम्स। पर अगर देव की शादी पम्मी से होती है तो ये पेपर्स तैयार है, राज सिमरन को तलाक दे देगा। उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपको सिमरन के बच्चे को फेंकना है या पालना है। चलो राज। हाँ साहब, लेकिन खुराना साहब मेरी। डैडी जी और राज कहाँ है? चले गए हैं मुझे। चले गए? लेकिन वो तो मुझे लेने आए थे ना। सिमरन, राज, सिमरन रुक। बबल्स, बबल्स आए। बाबूजी क्या हुआ? जा जाके अपनी बहन को देख, वो राज और खुराना के पीछे गई है। पीछे गई है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो उसको साथ नहीं लेके गए हैं। साथ नहीं लेके? लेकिन क्यों साथ नहीं लेके? अब यहाँ खड़ा होके अपने बाप का इंटरव्यू लेता रहेगा? जा जाके अपनी बहन को देख। देखता हूँ। राज, राज, सिमरन। जितने कदम तुम इस घर के अंदर आई हो उतने कदम पीछे जाओ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा जितने कदम तुम इस घर के अंदर आई हो उतने कदम पीछे जाओ। लेकिन अनु, जो बात करनी है दरवाजे पर खड़े होकर करो। पीछे जाओ सिमरन। अब यहाँ खड़ी होकर बेशक उसे आवाज दो जिसे पुकार रही थी। पर अनु, तुम उसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? अब तुम्हारी और हमारी बात ऐसी ही होगी। That is if you're interested in talking to me, because I am not. राज, राज। शायद सुना नहीं, जरा जोर से आवाज लगाओ। राज, राज। हाँ अनु। कुछ समझी तुम? इस घर ने फिलहाल तुमसे जो रिश्ता था वो ताक पर रख दिया है। कोमा समझती हो ना, जहाँ सांसें चलती रहती हैं, पर वो स्टेट कुछ कुछ मौत सी होती है। इस घर से तुम्हारा रिश्ता फिलहाल कुछ ऐसा ही हो गया है। लेकिन अन्नू, तुम जिस घर की सगी हो वहीं जाकर रहो। मैं समझी नहीं। अब ये ना समझी का नाटक कम से कम मेरे साथ तो न करो। तुम किस मिट्टी की बनी हो ये हम सब की समझ में आ चुका है। जाओ जाकर अपनी कजन पम्मी से रिश्ता निभाओ। पम्मी? तुम हमेशा चाहती थी ना कि मेरी नहीं तुम्हारी कजन पम्मी की शादी देव से हो, और तुमने हमेशा वही हालात पैदा किए। नहीं अनु, मैं। जस्ट गेट आउट ऑफ योर सिमरन, और दोबारा इस घर की तरफ रुख तब तक नहीं करना जब तक यहाँ से बुलावा ना आए, अनलेस तुम्हें बेइज्जत होने का शौक हो।
अगर कहीं देव और पम्मी की शादी हो गई तो तुम इस घर को, राज को हमेशा के लिए भूल जाना। सिमरन, सिमरन, सुना अभी अनु ने क्या बोला? She made clear के तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए। सिमरन प्लीज घर चलो, घर चल के देखते हैं कि करना क्या है। प्लीज सिमरन चलो, कम अभी तक आए क्यों नहीं है वो लोग? मेरी समझ में नहीं आता है कि सारी दुनिया में पम्मी के लिए सिर्फ एक यही लड़का मिला था। और मैं कब से हिंट दे रहा हूं कि खुराना फैमिली से पंगा मत लो, मत लो, हमने वहां पर अपनी बेटी ब्याही हुई है। पर नहीं जी, और कुलजीत, हमारी फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि सारी बड़े समझदार हैं। अगर आंसू पहुंच नहीं सकते तो जल्लीकट्टू दोनों सुनाओ। इधर सिमरन मां मरने वाली है और उधर वो लोग तलाक की बात कर रहे हैं। कितने घटिया लोग निकले वो। कुलजीत, तेरे को एक बात बोलूं, एक तरह से उनकी ये हरकत मुझे वाजिब लगती है। क्या इसका मतलब है कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? और मुझे कुछ नहीं हो गया, तुम्हारा ही सोचने का तरीका गलत है। तुम्हें अपनी बेटी तो अपनी बेटी लगती है, दूसरी की बेटी बेटी नजर नहीं आती? अरे जहां उस बेचारी अनु की सगाई टूटी, उस घर में अब हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। क्या ये शोभा देता है कुलजीत? आपकी और खुराना फैमिली की समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही कि देव पम्मी को पहले से ही जानता है, सगाई तो अब टूटी है। देव पम्मी से प्यार करता था और फिर ये सगाई देव ने खुद तोड़ी है, इसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं। चलो तुमने समझाई, मेरी समझ में बात आ गई, पर क्या खुराना इस बात पे यकीन करेगा? क्या वो इस सच्चाई को मानेगा कुलजीत? पर गलती पर तो वो लोग हैं ना। वो हमको इंसाफ का तराजू लेकर नहीं बैठे हैं कि कौन सही है कौन गलत। खुराना फैमिली की अपनी सच्चाई है तो हम भी अपनी जगह पर सच्चे हैं कुलजीत। और इस समय हालात की सच्चाई ये है कि खुराना फैमिली ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर पम्मी और देव की शादी हो गई तो राज हमारी सिमरन को तलाक दे देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। कुलजीत, ना इसका जवाब तेरे पास है और ना मेरे पास, तो मेरे ख्याल से हमें अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। तू बाऊजी को फोन कर, हमारी सिमरन की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, अगर इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है तो यही सही। और फिर हमारी सिमरन से बढ़कर तो हमें और कोई भी नहीं है ना। अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं तो यही सही, हम बाबूजी से बात करते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।